पुलिस परिवार की हुनरमंद महिलाओं का हौसला बढ़ाने और उनकी कला और हुनर को मंच देने के लिए पुलिस विभाग ने नई पहल शुरू की है। इस पहल के पहले चरण में मंगलवार को पुलिस लाइन में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी धर्मवीर सिंह सहित पुलिस के आला अफसरों ने पुलिस परिवार की महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस संवाद में महिलाओं की रुचि के बारे में जाना। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों के परिवार की महिलाओं को अपनी कला हुनर निखारने के लिए कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके तहत मंगलवार को आयोजित संवाद में महिलाओं से उनके रुचि अनुसार हुनर की जानकारी ली गई। कई महिलाओं ने आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी ने चित्रकारी, किसी ने वेस्ट से बेस्ट बनाने के अपने हुनर की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सुधीर सक्सेना साहब, उन्होंने दो बड़े प्रयास किए कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कुछ सोचा जाए, कैसे कल्याणकारी गतिविधियों को हम लोग प्रारंभ करें। सामान्यतः पुराने समय में कल्याणकारी गतिविधियों के नाम पे पेट्रोल पंप होता था कि आटा चक्की है कि पानी की व्यवस्था है, इस प्रकार की वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती रही हैं। लेकिन सबका अनुभव ये है कि जिस प्रकार का पुलिस लाइन्स में वातावरण है और जिस प्रकार की पुलिस की नौकरी है, सामान्यतः पुलिस वाले उतना टाइम परिवार को दे नहीं पाते हैं। व्यस्ततएँ इस प्रकार की है कि आपस में मिलना जुलना होता नहीं, पुलिस लाइन्स में हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं। एक तो हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए जिनको इन्वायरमेंट चाहिए, शहरों में सामान्यतः लाइब्रेरी होती है या ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। हमारी जो पुलिस लाइन के क्वार्टर्स हैं सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं, उतना स्पेस रहता नहीं है कि बच्चे सुकून से पढ़ पाएँ। तो ये डीजीपी साहब ने चिंता की और आप सबको जान के खुशी होगी कि मध्य प्रदेश की सभी बटालियंस में और सभी पुलिस लाइनों में दिशा सेंटर बने हैं। दिशा सेंटर बेसिकली एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमारे बच्चे बच्चियाँ किसी भी समय जाके वहाँ एक सुकून से पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दसवीं का बच्चा है, नौवीं का, आठवीं का बच्चा है, उसको अपना पढ़ाई करनी है तो अपनी किताब लेके सुबह 7 बजे आ जाएगा, जितने घंटे पढ़ना है वो पढ़ेगा। वहाँ बैठने की उचित सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा है, टॉयलेट्स हैं और कुछ सेंटर्स में तो इंटरनेट फ्री है और डेस्कटॉप वगैरह कंप्यूटर भी लगाए गए हैं। उसका परिणाम ये है कि बच्चे बड़े सिंसियरली आते हैं, 6-6, 8-8 घंटे, 4 घंटे जो उसको जितना बैठना होता है वो बैठते हैं। पढ़ाई का एक अच्छा स्थान प्रोवाइड कराया गया है। हमारी पुलिस लाइन में भी आपने रास्ते में देखा होगा एक सेंटर बनाया है, उसमें करीब 32 सीटर है। सभी बच्चों की, हर बच्चे के लिए पृथक केबिन है जहाँ बैठ के वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। लाइट है, सिटिंग एरिया एक अच्छा एनवायरनमेंट है, पूरा एयर कंडीशन है, गर्मियों में और सुविधाजनक हो जाएगा। अभी उस कहता है, सब लोग आप धैर्य से रहते हैं, फोन लगाते रहते हैं, हम समझते हैं घर वाले सब परेशान रहते हैं, फिर भी ड्यूटी सबकी चलती रहती बढ़िया। तो पुलिस जो अपन मेहनत करते हैं उसका यह रहता है अपना शहर आसपास का एरिया सब सुरक्षित रहता है, लोग दुर्घटनाओं से बचते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस नहीं हो तो काफी दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे लोग धक्का मुक्की करके एक दूसरे को ऊपर गिरने से, कई दम घुटने से डेथ हो जाती है इस तरह से, क्योंकि जनता क्या है कि समझते नहीं उस बात को कि क्या हो सकता है हमारे धक्का मुक्की या भीड़ बढ़ा के से, तो पुलिस ही कंट्रोल करती है। तो ये अपन सब सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे परिवार के लोग इन सब चीजों को कंट्रोल करवा रहे हैं, तो ऐसा मान के काम करना चाहिए। और अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं शिक्षित है या उनकी पत्नियां हैं वो एजुकेटेड है, उनके जॉब के लिए उनको भी तैयारी करते रहना चाहिए। जिस तरह से पुलिस विभाग में आने के लिए एक तो आरक्षक की भर्ती व्यापक से होती है, जिसको अब दूसरा नाम दे दिया गया है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम, और इसी तरह से एमपीपीएससी में
एक तो व्यापम में कॉन्स्टेबल से भर्ती होती है और सब इंस्पेक्टर बन जाता है, उसी तरह से एमपीपीएससी द्वारा डीएसपी बन जाता है, इसी तरह से यूपीएससी द्वारा आईपीएस बन जाता है। तो पुलिस में तीन प्रकार से भर्ती होती है, कॉन्स्टेबल से, व्यापम में सब इंस्पेक्टर कॉन्स्टेबल और फिर सब इंस्पेक्टर, और इधर डीएसपी और इधर आईपीएस, मतलब ये चार तरीके से भर्ती हो गए सिलेक्ट होते हैं। वो बाकी सब प्रमोशन से भर्ती होते हैं, जैसे हवलदार बनते हैं, आप सभी को पता है अपने घर में ही लोग है, बाकी फिर भी बताना चाहता हूँ कि अपने लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को, बहन को, पत्नी जो भी या रिश्तेदार है उनको इस बारे में नॉलेज देना चाहिए। पुलिस क्या है, ड्यूटी करने में मस्त रहते हैं, अपने परिवार और रिश्तेदारों को जॉब के प्रति सचेत नहीं कर पाते, तो उनको गाइडेंस करते रहना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। समस्या क्या है, कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। तो कॉम्पिटिशन में आगे आना चाहिए, बच्चों को पेपर, न्यूज़पेपर, प्रतिभा दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, योजना कुरुक्षेत्र, ये काफी पत्रिकाएं रहती है जिसके बारे में पर मत आप पढ़ोगे तो उसका काफी नॉलेज मिलता है, पर क्या ध्यान नहीं देते। लगन और मेहनत से अगर कोई मेहनत करे तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मैं खुद पहले कई विभागों में रहा हूँ, पहले मैं टीचर भी रहा हूँ, क्लर्क भी रहा हूँ, एमपीपीएससी से मैंने 6 इंटरव्यू किए और 5 बार सिलेक्टेड हुआ हूँ। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, डीएसपी, फिर इसके बाद में एआरटीओ बना था। तो ये मतलब मेहनत करने से होता है। अगर मैं सोच लेता, हार मान लेता कि मैंने कर लिया है, क्या करना है, नौकरी तो मिली हुई है, मुझे आगे बढ़ने क्या आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं। अपने को सर्वोच्च महत्वाकांक्षा जो है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा, लगन हो, उसको प्राप्त करना चाहिए। देखिए पुलिस, पुलिस लाइंस में पुलिस परिवारों की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए लगातार डीजीपी साहब की तरफ से इनिशिएशन लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि दिशा स्टडी सेंटर यहाँ प्रारंभ किया गया, जिसमें बच्चे अपना आके यहाँ स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार आज की जो इंट्रैक्शन सेशन रखा गया है, पुलिस लाइन के सभी परिवार आए हुए हैं, इन परिवारों के साथ ये हम लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएँ हैं और जो बच्चियाँ हैं उनको किस क्राफ्ट में इंटरेस्ट है। कई महिलाएं जो घरों में रहती हैं उनको कई प्रकार के क्राफ्टों में बहुत इंटरेस्ट रहता है और उसमें बहुत वो एक्सील कर सकती हैं। तो ये टैलेंट सर्च कार्यक्रम है, इसमें हमने अलग अलग क्राफ्ट के बारे में जानकारी ली है, किन किन को क्या क्या जानकारी, क्या क्या क्राफ्ट आता है। इसके बाद इनकी अलग तरीके क्लब बनाए जाएंगे, जैसे किसी को दीपक डेकोरेशन आती है, किसी को टी शर्ट पर प्रिंटिंग आती है, कोई पेंटिंग आती है। तो ये जो विधाएँ हैं, इन विधाओं में इनको आगे लेके जाने के लिए इनके क्लब बनाए जाएंगे, क्लब्स में इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होंगे उन प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग करा सकें, अलग अलग प्रकार के जो मार्केट्स होते हैं, हाट बाज़ार होते हैं, उनमें स्टॉल्स के माध्यम से इनको प्रमोट करेंगे। बेसिकली ये डीजीपी साहब का ये कंसेप्ट है कि सभी पुलिस लाइनों में इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे एक तो परिजन आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, दूसरा इनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो इनके अंदर क्षमताएं हैं, उनको आगे लेके आएंगे तो इनके समय का उपयोग भी होगा, इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से भी यह संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे। तो एक अच्छा प्रयास है, इसी के इंट्रैक्शन के लिए इनको बुलाया गया। ये कब से शुरुआत होगी इस केंद्र की? देखिए ये धरती जो योजना है, इसमें हम लोग अभी टैलेंट सर्च कर रहे हैं, इसमें देखेंगे हमारी पुलिस लाइन्स में कौन कौन सी महिलाएँ और बच्चियाँ हैं जिनको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, उनकी फिर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। और पूरा प्रोसेस है, एक दिन का कार्यक्रम नहीं, लगातार चलने वाला कार्यक्रम है और इसका मुख्य उद्देश्य अपने पुलिस लाइंस की महिलाओं परिवारों का सशक्तिकरण करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।